बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट दर्द का घरेलू इलाज और दुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पेट दर्द की अलामात, वजूहात, घरेलू इलाज और वो दुआ आपसे शेयर कर रहे हैं जिसकी बरकत से ऐसे बहुत से साइलीन को इस मर्ज से शिफाए कामला अता हुई जिन्हें अरसा दराज से पेट दर्द की शिकायत थी और किसी भी किस्म की अद्वियात असर नहीं करती थी, मगर अल्लाह की ज़ात ने इस दुआ की बरकत से उन्हें इस मर्ज से निजात अता फरमाई। नाज़रीन, पेट दर्द की चंद अलामात ये हैं। ऐसे अफराद जिनके पेट में दर्द रहती है तो उन्हें भूख बहुत कम लगती है या बिल्कुल नहीं लगती, पेट फूल जाता है, अक्सर चक्कर आते हैं, दिल मतलाता है, डकार आते रहते हैं, कब्ज, अफारा और लूज मोशन जैसी शिकायात रहती हैं जो पेट दर्द का बायस बनती हैं, जिसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जैसा कि कब्ज, गैस, खाना हजम ना होना, छोटी या बड़ी आंत में सूजन या पेट में खुदा ना खास्ता अल्सर की सूरत में भी पेट दर्द की शिकायत हो जाती है। तो नाज़रीन, पेट दर्द को ख़त्म करने के लिए जो होम रेमेडीज हम आपको बता रहे हैं ये पहले भी काफ़ी साइलीन आजमा चुके हैं और उन्हें बहुत फ़ायदा मिला। पेट दर्द की होम रेमेडीज ये हैं। नंबर एक, आम पेट दर्द की सूरत में एक चम्मच नींबू और अदरक का रस मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता चाट लें। नंबर दो, आधा चम्मच लहसुन का रस पानी में मिक्स करके पी लें। नंबर तीन, गुड़ में एक चम्मच अजवाइन मिलाकर खाएं। नंबर चार, एक गिलास पानी में थोड़ा सा सिरका मिलाकर पी लें। नंबर पाँच, थोड़ी सी फटकड़ी खाने के बाद दही खाएं। पेट में दर्द की दुआ ये है। नाजरीन, शिफा का सबसे बेहतरीन जरिया दुआ है, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने ऐसा दुआ प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें सिर्फ तीन दिन शामिल होने से आप लाखों अफराद की बेलोस दुआएं पा लेंगे। दुआ प्रोग्राम में ऐसे मरीजों को भी शिफाए कामला नसीब हुई जो ला इलाज अमराज की आखिरी स्टेज में थे। आप भी सिर्फ तीन दिन इस दुआ में शामिल हों, इंशाल्लाह इस मर्ज से निजात के लिए आप जो भी होम रेमेडीज या अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे वो कम वक्त में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। दुआ प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका जानने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।